आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और आज है संडे। संडे का एक खास शो 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। आज का शो इसलिए खास है क्योंकि आज का मेहमान बहुत खास है। खास प्रोफेशनली है और मेरे लिए खास पर्सनली भी है। वो एक ऐसे शख्स की बेटी है जिस शख्स से मुझे मोहब्बत है और मैं खुलेआम अपनी मोहब्बत उन्हें इजहार करती आई हूँ दशकों से। और वो हमेशा मुझे पूछती है कि ऐसा क्या है मेरे पापा में कि आप बार बार उनको खुलेआम फ्लाइंग किसेस देते हो। पहचाना, ये है संजना कपूर, शशि कपूर की बेटी, जेनिफर कपूर की बेटी और अपने आप में एक हस्ती। माय डार्लिंग संजना, वेलकम टू 92.7 बिग एफएम ऑन वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। जब वो बहुत छोटी बच्ची थी मैंने उनको उनके घर पे देखा है, इधर उधर घूम रही थी फ्रॉक में, उनकी माँ के आसपास खेल रही थी। बाद में वो थोड़ी बड़ी हुई, फिर मुझे उनके बारे में और पता चला, फिर और बड़ी हुई और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली। ये ऐसी मोहतरमा है जिनके थिएटर में अगर आप 5 मिनट देरी से पहुंचो तो आप भूल जाओ क्योंकि दरवाजे बंद हो जाएंगे। आप समझ गए, पृथ्वी थिएटर से जुड़ी हुई सालों से शशि कपूर की इकलौती बेटी संजना कपूर। संजना, बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें मेरे मन में आपको देखकर आती है। एक तो बहुत बड़ा राज है जो सबको नहीं मालूम, जो सिर्फ मुझे मालूम है। जब आप बहुत छोटी थी और कभी कभी आपके डैड के स्टूडियो में जाती थी उनको मिलने, तब आपके डैड ने मुझे इंटरव्यू के दौरान बताया था कि माई डॉटर इज अ ह्यूज फैन ऑफ अमिताभ बच्चन। ओह माय गॉड, रियली? या, माय गुडनेस। सो आई सेड, तो आई सेड, हाउ कैन शी बी अ फैन ऑफ अमिताभ बच्चन व्हेन शी हैज अ स्टार एट होम। ही सेड, मैं तो भाजी मोड़ा हूँ, तो शी थिंक्स दैट अमिताभ बच्चन इज अ सुपर हीरो एंड ही इज गोइंग टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। आपको नहीं याद है? बिल्कुल बिल्कुल याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है। सिर्फ ये याद है कि मैं बहुत रोती थी फिल्म्स देख के, क्योंकि डिशुम डिशुम होता था। आई वुड जस्ट नॉट बी एबल टू हैंडल इट। आई थॉट इट वुड रियली अपसेट मी कि पापा को मार रहा है। सो इट वाज, दैट्स व्हाट आई रिमेम्बर। एंड आई रिमेम्बर जब मैं 3 साल की थी, अपने घर में वी नेवर हैड अ टेलीविजन, तो सिकंदर दूरदर्शन पे आ रहा था, तो वी हायर्ड अ टेलीविजन, माय ग्रैंडफादर, एंड वी हायर्ड अ टेलीविजन एंड आई मस्ट हैव बीन 3 साल की होगी। एंड आई रिमेम्बर सिटिंग, आई रिमेम्बर द होल सेटअप एट होम, आई रिमेम्बर जहाँ कहाँ पे रखा गया था टेलीविजन, हम सब बैठे थे एंड मैंने, व्हेन द फिल्म स्टार्टेड, मैंने कहा पापा। बिल्कुल सही है, मगर हाउ स्वीट ऑफ शशि जी टू ऑर्गेनाइज दिस टेलीविजन एंड मेक इट इनटू अ फैमिली इवेंट ना। या या, इट वाज वंडरफुल। और जेनिफर भी ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा सेंसिटिव रही है हमेशा। उसके बाद आपने एक फिल्म भी की, हीरो हीरा लाल, और अच्छा काम किया था, और उसमें शायद अमिताभ बच्चन ने एक गेस्ट अपीयरेंस किया था। जी, एक्चुअली मेरे लिए दैट वाज अमेजिंग, क्योंकि मुझे यू नो, मैं 19 साल की थी, 18 साल की थी, या जो भी, ये काफी मुझे समझ में आया उस वक्त। मेरी हिंदी बहुत ही खराब है, यू हैव टू फॉरगिव मी, शर्मिंदा की बात है, शर्म की बात है कि माय हिंदी इज सो बैड। कोई बात नहीं, संजना ने पहले से बता दिया था कि उनकी हिंदी अच्छी नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि वो हिंदी में इंटरव्यू करेगी। इसके लिए हम शशि कपूर की बेटी को सलाम करते हैं। ओह गॉड नो, शर्म की बात है कि मैं इस परिवार की हूं और मेरी हिंदी ऐसी है। कोई बात, पर मैं कोशिश करूंगी। संजना कपूर ने अपने अर्ली करियर में एक फिल्म भी की थी, याद है वो कौन सी फिल्म थी और उनका हीरो कौन था? संजना, आप अपने थिएटर के बारे में और अपने सपनों के बारे में खुले दिल से बात करती है, तो आज बता ही दो कि आपने वो एक फिल्म की है, क्यों की, कैसे की, और उसके बाद क्यों कोई और फिल्म नहीं की? मैं ड्रामा स्कूल गई, बिकॉज देन आई रियलाइज कि वो फिल्म करते वक्त मुझे पता, हाँ, कि ये दिस इज इम्पॉसिबल, I have to go and learn technique, I have to learn something. और उस वक्त भी I was confused कि मुझे कहाँ, किस में काम करना है, थिएटर में या कौन से मीडियम में? I knew I wanted to work with Ketan Mehta. मैंने Ketan Mehta से, I met him many years earlier, और मैंने उनसे कहा भी कि मुझे आपके, I went to meet him to say I want to work with you. जी. So I knew that I wanted to work
पैरेलल सिनेमा में, मुझे मेन स्ट्रीम सिनेमा में या कमर्शियल सिनेमा में, और उस वक्त बॉलीवुड का नाम नहीं था बट वॉज जस्ट इंडियन सिनेमा, फिर उसके बाद बॉलीवुड निकला. एंड नॉट द काइंड, अभी आज के जमाने में द फिल्म्स वर वेरी डिफरेंट एंड आई थिंक इट वुड हैव बीन डिफरेंट फॉर मी इफ आई हैड वांटेड टू. मगर अभी भी कर सकते हो आप? नहीं, कभी भी आ सकता है रोल, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, आई एम वेरी क्लियर. My focus is very clear because actually, अगर शशि जी यहाँ होते तो कहते कि never say never. Oh, कभी भी कुछ भी हो सकता है. उसके बाद आपने कोई फिल्म नहीं की, ड्रामा स्कूल गए आप. एंड ट्रेनिंग ली. वहाँ पे मुझे बिल्कुल क्लैरिटी आया कि दिस इज माई थिएटर इज माई लव, कि मुझे इसमें काम करना है. सो दैट बिकेम वेरी वेरी क्लियर फॉर मी. सिनेमा नहीं, दो इट वॉज अ स्कूल फॉर एक्टिंग, मतलब यू कुड बी एनी मीडियम. बट तो तब जब मैं वापस आई, तब इट वॉज अ स्ट्रगल कि मैं कहाँ पे काम करूँ, यहाँ पे काम करूँ या इंग्लैंड में. मुझे इंग्लैंड में इट जस्ट वॉजंट होम. मुझे वहाँ पे इट जस्ट वॉजंट द सेम. आई बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, इट्स इन माई ब्लड. सही है. सो मैं आहिस्ते आहिस्ते यहाँ थोड़े कुछ आई स्टार्टेड वर्किंग, बच्चों के साथ काम किया, डिफरेंट थिंग्स, एंड स्लोली स्टार्टेड वर्किंग एट पृथ्वी. बहुत ही ग्रेजुअल था. शुरू शुरू में क्या कर रहे थे आप, एकदम शुरू शुरू में पृथ्वी पे? हाँ. एक साल मैंने सिर्फ सारे के सारे नाटक देखे. 10 साल की थी. ब्रेकफास्ट कॉन्वर्सेशंस, इवनिंग नाइट कॉन्वर्सेशंस, इट वॉज देयर इन द फैमिली. एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट दिस थिएटर दैट इज बीइंग बिल्ट. इट वॉज एन ऑब्सेशन. सो कहीं ना कहीं वो तो कुछ, यू नो, द पैशन, द डेडिकेशन, द लव ऑफ दिस लिटिल जेम ऑफ अ थिएटर सीप्ड इनटू मी. जब मैं 15 साल की थी स्कूल में, आई वॉज इन द 10th स्टैंडर्ड, उस वक्त द वेरी फर्स्ट थिएटर फेस्टिवल हुआ था, पृथ्वी फेस्टिवल हुआ था, 1983. जी, बिल्कुल सही कहा. मेरी माँ थी उस वक्त. जी, सितंबर में. नवंबर. शी पास्ड अवे इन सितंबर देन फॉलोइंग ईयर 84. करेक्ट. सो 83 में, एंड इट वॉज मैजिक. वहां पे माहौल, मेरे हिसाब से 10 रुपए की टिकट होती थी. तो 5 रुपए भी होती थी पहले शुरू शुरू में, फिर 10 रुपए की तो शनि रवि को होती थी. और जब आप ये अपना प्लान बता रहे हो, क्योंकि मैं शशि कपूर को अपनी जिंदगी समझती हूँ. मैं आपको बताऊं कि जब वो उस जमाने में चार चार फिल्म की शूटिंग करते थे, उनको ये थिएटर बनाना था और प्रोड्यूसर से पैसे लेने थे. शूटिंग के बीच में जब वो मुझे अपॉइंटमेंट दिया था, तो ये पृथ्वी थिएटर की जो ओपन स्पेस थी वहां पे जेनिफर टाउन से आई थी. आर्किटेक्ट के साथ वो मीटिंग कर रहे थे और मुझे कहा चुप से वहां बैठ जाओ, जब मेरा काम खत्म होगा मैं तुमसे बात करूंगा. तो मैं एक लल्लू की तरह वहां बैठी थी. तो मैंने भी, जैसे आपने देखा है छोटी बच्ची की तरह, मैंने थोड़ी बड़ी बच्ची की तरह वो जगह देखी है, वो आर्किटेक्ट के साथ सारी डिजाइन के बारे में बातें सुनी है. इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि आई थिंक वी लॉस्ट जेनिफर एंड पृथ्वी थिएटर कौन संभालेगा? क्लियरली कुणाल वाज अमेजिंग इन द वे ही जस्ट पिक्ड अप द रेन्स एंड हेल्ड देम फॉर 8 इयर्स. कुणाल ने संभाला. ही कंटिन्यूड फेस्टिवल्स और भी बड़े हुए थे, दे बिकेम मोर एंड मोर प्रेस्टिजियस. एंड फिरोज अभी जो फिरोज अब्बास खान है, फिरोज खान इन दोज डेज जो थिएटर वाला था एंड डिड अ लॉट ऑफ थिएटर एंड माय मदर अडोर्ड हिम, ही वाज अ कंप्लीट भक्त ऑफ माय मदर. फिरोज और कुणाल एक साथ पृथ्वी मैनेज करते थे. कुणाल और फिरोज, दे वुड चूज द प्लेस एंड देन फिरोज वुड रन द शो, क्योंकि कुणाल भी काम कर रहे थे. मैंने जो भी सीखा है अबाउट हाउ टू एक्चुअली रन अ फेस्टिवल, इट हैपेंड वर्किंग with Firoz and under Firoz at that time. Kadam uthake I actually slowly started working. So shuru shuru mein maine bachcho ke liye bachcho ka program shuru kiya tha. Maine apna theater group banaya tha, Prithvi Players. Art gallery wapas shuru kiya tha wahan pe, Prithvi Gallery. Cafe us waqt kafi ignored, neglected tha, to unko bhi naya jaan diya tha. Bookshop bhi, there was a need for a new bookshop. So ye choti choti cheez, ek cheez kabhi nahi hua jo I always wanted and dreamt of is a library of art and theater books. Wo kabhi hua hi nahi. Magar kitni interesting baat hai ki dekho, Prithvi Theater sapna tha Shashi Kapoor ka, मेहनत और साथ दिया जेनिफर कपूर ने. उसके बाद इमारत खड़ी की जो नाटक की कुणाल कपूर ने, और उसके बाद जो जैसे कहते हैं ना कि पेड़ में ब्रांचेस और ब्रांचेस में लीव्स, वो आपने लगाए, क्योंकि आपने कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें उस वहाँ लगा दी
और इसकी वजह से पृथ्वी थिएटर मुंबई का फाइन आर्ट्स में सबसे बेहतरीन और बड़ा एड्रेस बन गया। पृथ्वीराज कपूर ने अपना थिएटर शुरू किया था, पृथ्वी थिएटर्स नाम दिया गया था उस थिएटर कंपनी को। तो किसी ने, जोरा सहगल ने शायद उनको पूछा कि ये थिएटर्स क्या होता है, एस क्यू लगाया थिएटर में। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो थिएटर, एंड इंटरेस्टिंगली ही स्टार्टेड इन 1944 हिज थिएटर कंपनी एट द पीक ऑफ हिज फिल्म करियर, और वहां से हमारा जो ट्रेडिशन हैज कंटिन्यूड कि फिल्मों का पैसा थिएटर में डालो। पर ही बिलीव्ड कि ये एक ही फॉर्म है टू रीच पीपल, टू टच पीपल। एंड यू कैन इमेजिन 1944 में इंडिया क्या था जी, क्या हो रहा था उस वक्त, और कैसी कैसे प्लेस बनाए, एंड किसान, they needed to touch people and to, and वो कहा कि फिल्म से नहीं हो सकते, मुझे थिएटर ही करना है। बट ही सेड टू जोरा, ही सेड मैं चाहता हूँ कि मैं एक थिएटर बनाया, ये पृथ्वी थिएटर्स है, कंपनी है, पर ऐसे हजारों होने चाहिए। जब आपने पृथ्वी थिएटर छोड़ने का फैसला लिया था, पृथ्वी थिएटर को भी छोड़ना आसान नहीं था क्योंकि आपने उसको पाला था और पूरा ओढ़ लिया था। पृथ्वी फेस्टिवल में संजना ना दिखे तो चैन नहीं पड़ता था। तो उसको छोड़ना और कहना अपने आप से कि मुझे आगे बढ़ना है और कोई और जुनून पालना है, फिर उस जुनून को पाला, उसको 3.5 साल हो गए। मगर वो सी अम्बिलिकल कॉर्ड ब्रोकन विद पृथ्वी, नेवर। नो, कहावत है कि संभालिए जो आप मांगेंगे, what wishes you make, भगवान से क्या मांगते हो सोच के मांगो, सोच के, क्योंकि जब भगवान आपको पनिश करना है, he answers your prayers. So be careful what you wish for. And मैं मजाक में काफी बार दो चीज कहती थी पृथ्वी में। मैं कहती थी उफ, ये जो बच्चा है मेरा पृथ्वी थिएटर, यू नो अभी 21 साल हुए या जो भी है, अभी घर छोड़ो ना, जाओ ना। आई यूज टू से दिस, एंड ऑफ कोर्स पृथ्वी कांट मूव, बट आई वेंट, माय ड्रीम्स गॉट बिगर एंड बिगर, माय फीलिंग ऑफ आइसोलेशन आल्सो ग्रो। तो उससे एक दूसरा राह निकली। बट बिफोर जुनून देयर वाज अ इंडिया थिएटर फोरम जो हमने कुछ 10-15 साल पहले बनाए। इट्स अ ग्रुप ऑफ थिएटर पीपल अक्रॉस द कंट्री कमिंग टुगेदर। ये आपने इनिशिएट किया था जी, and जब मैं पृथ्वी में थी, and it is not, it's a group, it's not an organization as such, but it's just a network of people coming together. So we create seminars, we create publications. It was very empowering and enriching. You felt कि ऐसे मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे जैसे काफी पागल लोग हैं दुनिया भर, देश भर, and we learn from each other. So that was really important. But I know कि मेरा विस्तार बढ़ रहा था. You know, I was really, really wanting. I was getting more and more ambitious and I wanted to impact more than just Bombay. So that's why Junoon was just a natural progression. To jaise Junoon mein kya hota hai? So Junoon, Sameera Iyengar and I created, and we'd worked 10 saal tak Prithvi mein, humne dono ek saath kaam ki, and we realized that both of our ambitions were growing in the same way. So we co-founded Junoon wanting to create a world that really values theatre. Theatre hota kya hai? Aisa sawal hona nahi chahiye hamare shahar mein. इट्स अर्बन सेंट्रिक, हम लोग गांव गांव में नहीं जा रहे क्योंकि उनका रियलिटी बिल्कुल अलग है। आप लोग शहर शहर जाते हो, पर शहर हम जाते नहीं, हमारा थिएटर कंपनी नहीं है, वी डोंट प्रोड्यूस प्लेज। ओके, वी आर अ प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग ऑडियंसेस एंड थिएटर वालास एंड आर्टिस्ट टुगेदर। संजना कपूर का अपने मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स यानी कैंडल्स के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता था। कैसा लगता है संजना इतना लंबा सफर करके? उफ, you know, अकेलापन गायब हो गया, which is wonderful. I don't feel alone. पृथ्वी में really I felt alone for so many years कि हम ही पागल हो गए जो यही कर रहे हैं। But that connect, you know, अजीब चीज, सत्यदेव दुबे ही कहते थे ये कि 1970s में अपना देश में आसानी से लोग they would talk to each other. People in इलाहाबाद knew जयपुर में क्या हो रहा है, जयपुर को पता था थिएटर वालों कि जो कलकत्ता में हो रहे हैं या केरला में हो रहे हैं। I don't know how, but they had real dialogue. In our changing world, with the burst of media and technology, it became less. Yeah. It was so strange. The isolation became more. So in a strange way, Vishwas bhi kam ho gaya. शायद विश्वास भी कम हो गया, नंबर्स आल्सो बढ़ गए कि कितने सारे लोग काम कर रहे थे, सो हुआ द रियली रियली गुड वंस। बट इट्स ब्यूटीफुल नाउ टू सी दैट नेटवर्क्स आर स्टार्टिंग, नेटवर्क्स आ रहे, लोग दे आर नाउ वर्किंग मोर, विश्वास बढ़ रहे अभी, एंड दैट्स ब्यूटीफुल।
आज जब आप मुड़कर देखते हो, आपको क्या लगता है कि आपने जो कुछ भी अब तक हासिल किया है, या जिस प्रकार की आप लड़की हो, जिस तरह से आप सोचती हो, आप में जो पागलपन है, जुनून है, उसमें कौन कौन सी इन्फ्लुएंसेस है? सबसे पहले जेफरी कैंडल, जो मेरी माँ के पिता हैं, ही इज माय हीरो. एंड उनकी आई थिंक शायद जब मैं बहुत ही छोटी थी, मैंने शायद उनका शो देखा होगा, जो उन्होंने लास्ट में, एट द एंड ऑफ देयर करियर, शेक्सपियरियाना के सिर्फ दो ही थे मेरे नाना नानी, एंड दे वुड डू सीन्स फ्रॉम शेक्सपियर, एंड स्कूल्स में जाते थे, एंड आई थिंक वॉल्सिंगम स्कूल में मैंने शायद देखा होगा यहाँ पे, बट वेग मेमोरी है. जब मैं 12 साल की थी, और एवरी हॉलीडे, एवरी विंटर दे वुड स्पेंड यहाँ इंडिया में, हमारे वहाँ पे बहुत ठंड हो जाती थी. जब मैं 12 साल की थी, मैं आई ट्रैवल्ड विद देम, आई परफॉर्म्ड विद देम. वाओ. एंड वहाँ हम आयरलैंड गए थे इन द बैक ऑफ माय ग्रैंडफादर्स टाइनी लिटिल सिट्रन गाड़ी, जिसमें मैं थी, और मैं काफी लंबी थी उस वक्त, तो मैं थी और वन चेयर, जो ऐसा एक फोल्डिंग चेयर था बस, दैट वाज द थ्रोन ऑफ डेनमार्क, एंड द प्रॉप्स एंड सेट्स, जो भी छोटे छोटे कॉस्ट्यूम्स, एंड थ्री ऑफ अस ट्रैवल्ड टू आयरलैंड टू फोर ऑफ फाइव स्कूल्स, एंड वहाँ पे आई प्लेड टिटानिया एंड I was Olivia. Yeah, so I played with both my grandmother and my grandfather, choti-choti scenes from Shakespeare. Ji. My grandfather, Jeffrey Kendall, he was a real traveler, an adventurer. Theater unka zindagi tha. It was his jaan. Ye nahi ki ek naukri tha jo sham ko karte the ya jo bhi. It was not a naukri, it was his life. Ji. I remember my aunt telling me, she writes about it, Felicity Kendall. Jab wo 8 mehna ki thi, वो यहाँ इंडिया लेके आई. शी केम टू इंडिया एज अ 8-month-old बेबी, एंड देन शी नेवर वेंट बैक टिल शी वाज 18 टू इंग्लैंड. शी ट्रैवल्ड इन इंडिया, शी ग्रू अप इन इंडिया. यहाँ कुछ पता नहीं 30 या 35 स्कूल्स गई थी, क्योंकि दे केप टूरिंग. माय गॉड. एक सूटकेस में सारे यूनिफॉर्म्स थे, तो शी वुड, दैट्स हर कॉस्ट्यूम, शी वुड वेयर हर डिफरेंट यूनिफॉर्म्स फॉर ऑल द स्कूल्स. बट देयर वाज अ बिग आर्ग्यूमेंट बिटवीन माय ग्रैंडपेरेंट्स, कि उनको, माय ग्रैंडफादर डिड नॉट वांट टू सेंड हर टू स्कूल, कि पढ़ाई की क्या जरूरत है. अच्छा, गणित और लिखित विखित सब चाहिए तो वो हम कर सकते हैं, बाकी क्या है, थिएटर है. थिएटर में शी लर्न एवरीथिंग शी नीड्स टू लर्न इन हर लाइफ. फैबुलस. व्हाट एल्स शी नीड, शी लर्न आइडियाज, बट माय ग्रैंडमदर वन, एंड सो शी एंडेड अप गोइंग टू स्कूल. अक्सर हमने देखा है कि एक परिवार में माँ के गुजर जाने के बाद बेटी माँ का रोल निभाती है. थैंक यू संजना फॉर मेकिंग टाइम एंड कमिंग टू 92.7 बिग एफएम स्टूडियो. सबसे ज्यादा जो जेनिफर की पर्सनालिटी का सुख या जो भी उनकी इन्फ्लुएंसेस है, वो तीनों बच्चों में से आपने ऑब्जर्व किए, ऐसे हमने सुना था. Well, that's nice. But I think, I mean, yeah, और उनके जाने के बाद ये तीन, दो बॉयज, भाई और एक पिता, सबको आप ही ने तो संभाला, घर संभाला. ओ नहीं नहीं, मैंने घर नहीं संभाला, मैंने उनको नहीं संभाला. दिस आई न्यू, मैं 16 साल की थी, एंड मैं एक्चुअली ये जिम्मेदारी नहीं लेने वाली थी. मैंने ये तय किया कि ये मुझ पे बोझ मत डालिए, प्लीज, हम, वी ऑल हैव टू संभालो आवरसेल्व्स. बट आई न्यू दैट दिस वाज अ बिगिनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप विद माय फादर, क्योंकि इसके बाद आई गॉट टू नो हिम. आई नेवर न्यू हिम बिफोर. He was just working. Yeah, वो कभी थे नहीं, मतलब थे physically. So I knew he gave me stability. You know, that was rock. Anchor. They were both my parents. They were the rock of the family. So there was that sense of stableness, of surety, of confidence. But जो आदमी था, I didn't know him. And so after I was 16, मैं हर, you know, I would just make it conscious effort to get to know this man. And it, that has been an amazing experience. और जो आप करते गए, जब आप पृथ्वी में जो करना चाहते थे, बिल्कुल, that has been wonderful to have him, sounding board, you know, काफी arguments, काफी discussions, काफी nervousness, because papa is not the best critique, मतलब वो criticism देना है तो दरब ढांग जैसे देते हैं, and then he says you can't take criticism, but अरे भाई, but ऐसे क्यों दे रहे हो, क्या प्यार से दो. और क्योंकि आप मुंबई में नहीं रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, फिर आपको वापस आना है, ये सब कश्मकश झेलना आसान है? I think it's not a, that is the, you know, the separation is not so sad because I've been away for many many years. जी. But it's yeah, for me, I cling to the beautiful moments. जैसे आज सुबह
You know, I told you. I told him where I was coming, and उन्होंने कहा, please give her my love. Sweet Vashish Kapoor, I love you, and you are my favorite actor. And मैंने दिमाग में तो हजार बार उनके साथ flirt किया है. और मिलती हूँ तब भी कितने kisses देती हूँ. But he's it's so for me. जिस दिन I can see the spark in his eyes and I can see him respond, for me that's enough. Sanjana, आप हमारे स्टूडियो आई, हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ इतनी सारी थिएटर की बात की. वो भी कैसे थिएटर पला बड़ा फैला और थिएटर में क्या क्या चीज़ें होती है, बातें होती है, इमेजिनेशन को किस तरह से यूज़ करना चाहिए और साथ में मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए और इन सब की आप मिसाल हो. हमारे लिए ये जो क्षण आपके साथ गुजारे वो बहुत अच्छे हैं. और आपने जैसे कहा आपकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आपने बहुत अच्छा बोला. और जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं आपको अभी मेरे घर ले जाऊंगी और गुजराती ब्रेकफास्ट खिलाऊंगी और शशि कपूर के लिए पैकअप करके डब्बा दूंगी. अगले इतवार फिर मिलूंगी आरजे सिद्धार्थ के साथ हमारा खास शो लेकर, वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम.